दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अगर आप भी मेरी तरह डेली रूटीन फॉलो करते करते बोर हो गए हैं तो चलिए आज अपने रूटीन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और एक पिकनिक पर चलते हैं। आज हम जा रहे हैं लोहागढ़, और लोहागढ़ से लोहा लेने के लिए हम जा रहे हैं। ये आपका फार्म हाउस है जो गुड़गांव में है, राजीव चौक से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पास ही गैरतपुर बास गांव है और बादशाहपुर के पास ही आपका फार्म हाउस है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, तो यहाँ पर आप पिकनिक की प्लानिंग कर सकते हैं। पिकनिक आने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। और अगर आपने बहुत दिनों से गांव नहीं देखा है, बिल्कुल शहर में आप रहते हैं, तो आपको जरूर यहाँ पर आना चाहिए, ताजी ताजी हवा खानी चाहिए और गांव की जो लाइफ है उससे बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। आप वो सारी एक्टिविटी कर सकते हैं जो गांव के लोग डेली रूटीन में करते हैं। आप हरे भरे खेतों देख सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने फार्म हाउस के पास आते जाएंगे, आप देख सकते हैं सरसों के खेत जहाँ पीले पीले फूल लगे हुए हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाए मूवी का गाना आप गा सकते हैं, यहाँ पर साथ में हरियाली आप देख सकते हैं। और अगर आप गांव कभी नहीं गए हैं तो आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पर कभी नहीं गए हैं तो ये वीडियो देखकर मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी पिकनिक की प्लानिंग कर सकते हैं। पिकनिक आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं, पड़ोसियों के साथ आ सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ आ सकते हैं। और हाँ, अगर आप वर्किंग है, ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो अपने साथियों के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो ग्रुप एक्टिविटी है और आप मिलकर एंजॉय कर सकते हैं और एक मेमोरेबल मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फार्म हाउस 9 से 6 बजे के बीच में खुला रहता है। और आइए टिकट की बात कर लेते हैं। हो सकता है आप इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो जाएं, तो टिकट के बारे में यहाँ पर टिकट के जो प्राइस हैं वो बहुत ठीक हैं। अगर आप पूरा दिन यहाँ पर बिताते हैं 9 से 6 बजे के बीच में, और एक बार टिकट लेने के बाद सबसे अच्छी बात ये है कि अंदर आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। आप मन भर के, जी भर के खाना खा सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और पूरा टाइम आप बिताएंगे। सिर्फ आपको काउंटर पर आपकी टिकट के पैसे देने हैं। टिकट के लिए 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए 600 रुपए टिकट है, और 10 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए टिकट 1100 रुपए है। लेकिन आप ऑफिस की तरफ से आ रहे हैं, स्कूल की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको कंसेशन मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपका एंट्री करने के लिए आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्कूल से आ रहे हैं तो स्कूल के लेटर हेड पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लिखकर और उसका प्रूफ दिखा सकते हैं, आपको कंसेशन मिल जाएगा। और कंसेशन मिलने के बाद 1100 से आपकी टिकट 850 रुपए हो जाएगी, तो इसके बारे में पहले से ही आप प्लानिंग कर सकते हैं। लोग धीरे धीरे गांव को देखना चाहते हैं, वहां की संस्कृति को जीना चाहते हैं, लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों के लिए गांव एक नई चीज हो गई है। धीरे धीरे हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं, बिजी हो गए हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, और गांव की जो बातें हैं किताबों तक रह जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। जिसने कभी गांव देखा नहीं उसके लिए तो एक काल्पनिक दुनिया है। तो इसीलिए दिल्ली NCR में ये जो फार्म हाउस है ये एक हॉटस्पॉट बन गया है पिकनिक के लिए, और शहर के लोग, स्पेशली दिल्ली के लोग, आसपास के शहरों के लोग यहाँ पर आते हैं और गांव के लोग भी आते हैं कि भाई हमारी संस्कृति को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो गांव के लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने कल्चर पर, अपने लाइफस्टाइल पर प्राउड महसूस होता है। दोस्तों, अगले 40 मिनट के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। 9 से 6 बजे के बीच का सफर हम 40 मिनट में देखने वाले हैं, और मैं आपको गारंटी देती हूँ ऐसा कोई कोना नहीं छूटने वाला है जो लोहागढ़ फार्म का है और आपने यहाँ मेरे साथ नहीं देखा है। आप वर्चुअली मेरे साथ जुड़ जाइए और इसको देखने के बाद मोटिवेट होकर आप रियल में प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही पिकनिक पर जा चुके हैं तो आप फिर से अपनी यादों को ताजा कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे अपने फार्म हाउस की ओर बढ़ रहे हैं, और आप यहाँ पर हरियाली देख सकते हैं, और धीरे धीरे बढ़ेंगे और मेन जो हमारा एंट्रेंस गेट है वहां पर लिखा मिलेगा हमें लोहागढ़। दोस्तों, अक्सर हम अपनी मंजिल पर फोकस करते हैं और सोचते हैं जब मंजिल मिलेगी तभी खुश होंगे, और ऐसे ही बहुत सारे लोग सोचते हैं लोहागढ़ फार्म आएगा तभी खुश होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रास्ते में एंजॉय कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप ट्रैवलिंग का आनंद ले सकते हैं और आसपास के खेतों को देख सकते हैं, और आप यहाँ पर पहाड़ भी देख सकते हैं, और ये उपले हैं जो गोबर से बने हैं और गांव के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमसे कोई कहे गोबर के उपले बनाओ तो नाक भौंसिकने लग जाएंगे, गोबर के नाम से ही कुछ कुछ सोचने लग जाएंगे। लेकिन बचपन में मैंने बहुत उपले बनाए हैं अपने मम्मी के साथ, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ, गांव से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर नया कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, आजकल के जो बच्चे हैं जो शहरों में रहते हैं उनके लिए जरूर नया है, क्योंकि जो बातें वो किताबों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो एक अच्छा अनुभव होने वाला है। और यहाँ की जो ताजी ताजी
की हवा है उसके तो क्या कहने, शहरों में इतनी फ्रेश एयर कहाँ मिलती है। और आप जानते ही होंगे दिवाली के सेलिब्रेशन के बाद पूरी दिल्ली पॉल्यूशन में डूब चुकी है, और पॉल्यूशन की वजह से स्कूल में छुट्टी भी हो गई है। और ऐसा आजकल बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हो रहा है कि स्कूल और ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ रही है। अगर कुछ साल पहले की बात करें तो कभी हमने मन में कल्पना भी नहीं की थी कि पॉल्यूशन की वजह से इस तरह से छुट्टी होगी और हमें घरों में बैठना पड़ेगा। दोस्तों, प्रदूषण से दूर बिल्कुल फ्रेश और ताजी हवा खाने के लिए हम लगभग पहुंच ही गए हैं अपने फार्म हाउस में, और यहाँ पर आपको आराम से पार्किंग का स्पेस मिल जाएगा। और जो एंट्री है, एंट्री में आपका स्वागत किया जाएगा तोप के साथ, अभी अभी हम देखने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो हरियाणवी कल्चर को शो करने वाले हैं। आपका स्वागत बिल्कुल हरियाणवी स्टाइल में राम राम और नमस्ते के द्वारा किया जाएगा। अब हमारी मंजिल बिल्कुल दूर नहीं है, और मंजिल पर पहुँचने से पहले हमने उसके रास्ते को भी इंजॉय किया है, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा लोहागढ़ फार्म आ गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आज सैटरडे है, सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगी, अगर आप मंडे से फ्राइडे के बीच में आते हैं तो कम भीड़ मिलेगी। और आप अच्छे से जानते हैं लोगों की छुट्टी होती है सैटरडे संडे और लोग वीकेंड पर आते हैं। तो ये पार्किंग स्पेस है, आप देख सकते हैं खुला खुला हरियाली से भरा, और यहाँ पर हम पार्किंग करते हैं। और पार्किंग के बाद अभी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, और 9 से लेके 6 बजे के बीच में पूरे 9 घंटे इंजॉय करने वाले हैं। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। और यहाँ पर आने से पहले आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जिनको पहनकर आप कंफर्टेबल फील कर सकें और पूरा दिन घूम सके, और साथ में जो भी एक्टिविटीज है उन्हें पार्टिसिपेट कर सकें। तो साड़ी तो आप बिल्कुल मत पहन कर आइए, या फिर इस तरह के कपड़े जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराएं कोई भी एक्टिविटी करते समय। तो बिल्कुल रफ एंड टफ और बिल्कुल एक्टिव मोड में आपको आना है। और ये हमारी तोप है, और तोप से हमारा स्वागत किया जा रहा है। साथ में आप एक रेड कलर की गाड़ी भी देख सकते हैं, आई लव माई इंडिया, यहाँ पर आप फोटो खिंचवा सकते हैं। और यहाँ से हमारा स्वागत हो चुका है लोहागढ़ फार्म में, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हरियाणवी कल्चर। और यहाँ पर आपका स्वागत किया जाएगा। आजकल कोरोना है तो यहाँ पर आपका टेस्ट भी किया जाएगा, मास्क पहनना है। और चलिए, हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर हम सबका स्वागत है, आपका भी स्वागत है। और ये पूरी जो दीवारें हैं ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी से इनकी लिपाई की गई है, क्योंकि पहले गाँव में यही संस्कृति थी हमारी। और साथ में सूरजकुंड मेला अगर आप गए हैं तो वहाँ से आप कनेक्शन फील कर सकते हैं, उसी थीम पर यहाँ पर डेकोरेशन है। और ये साइड में आप देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर शोले मूवी का पोस्टर देख सकते हैं, और यहाँ पर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वो वाली गाड़ी भी है, आप फोटो खिंचवा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पुराने मॉडल्स के व्हीकल हैं, इन पर भी आप फोटो खिंचवा सकते हैं। और बीच में एक बड़ी सी चारपाई है, पलंग है, इस पर आपका पूरा परिवार आराम से सो सकता है। और बहुत ही अच्छे डिजाइन में इसका डिजाइन के साथ इसकी बुनाई की गई है, जो कि हरियाणा की संस्कृति से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। लोग वहाँ पर चारपाई पर सोते हैं, पलंग और बेड तो बहुत बाद में आए हैं जो आजकल हम शहरों में यूज करते हैं। और यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि बच्चों का आपको ध्यान रखना है, स्मोकिंग स्मोकिंग एरिया में करनी है। और ये टिकट काउंटर है, अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है तो आप यहाँ पर चेकिंग करवा सकते हैं, आप यहाँ पर भी टिकट ले सकते हैं। एंट्री करने से पहले आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों का एज प्रूफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 10 ईयर से बिलो जो बच्चे हैं उनकी टिकट के प्राइस अलग हैं, और जो 10 ईयर से अबो हैं उनकी टिकट के प्राइस अलग हैं। यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा हरियाणा की संस्कृति कल्चर बिल्कुल डूबा हुआ है उसमें, और आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से एंजॉय कर सकते हैं, पूरा ही उसी थीम में है, पूरी हरियाणा की जो लोक संस्कृति है वो यहाँ पर झलकती है। और साथ में आप बीच बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर नींबू पानी है, लस्सी मिल जाएगी आपको, चाय पकौड़े मिल जाएंगे आपको, ग्रामीण रसोई आप देख सकते हैं। और गांव में जैसे चूल्हे पे लोग खाना बनाते थे, यहाँ पर भी आपको वैसे ही चूल्हे पर लोग खाना बनाते हुए दिखेंगे। और आप बैठकर उनके पास बिल्कुल नीचे बैठकर, यहाँ पर कोई अलग से डाइनिंग टेबल नहीं है, नीचे बैठकर वहीं पर आप खा सकते हैं जैसे गाँव के लोग खाते हैं। और इसी के साथ में एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिन्हें हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर आप झूले देख सकते हैं और झूलों का आनंद ले सकते हैं, बैक टू बचपन आप कह सकते हैं, अगर बहुत दिनों से आपने बचपन को एंजॉय नहीं किया है। यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, 11 बजे के बाद आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, क्योंकि उसके बाद लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप आते हैं तो पूरी एक्टिविटी एरिया में ना जाने के बजाय जल्दी से आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद जितनी भी एक्टिविटी आप एंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हैं। आइए देखते हैं ब्रेकफास्ट में हमें क्या मिला है। उसमें क्या क्या मिला हमें, सबसे पहले चटनी हरी, ये देखो चटनी, चटनी के बाद मुझे मिला अचार,
फिर मुझे मिली आलू की सब्जी, पेठे की सब्जी, पेठे की सब्जी, फिर मुझे मिली पूरी, फिर मुझे मिली दही, और ये फाइनली मीठा। मीठा परफेक्ट। आइए एंजॉय करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को। और आपको यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं करनी है, ये सबसे अच्छी बात है। 9 to 6 आपको बीच में कोई पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ आपको टिकट लेने की। आपका जीवन बाड़ा है जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप लंच कर सकते हैं, और बीच बीच में आप चाय पकौड़े ले सकते हैं, दूध जलेबी ले सकते हैं, और 4 to 6 के बीच में आपको गुलाब जामुन भी मिलते हैं। और चलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बिटोड़ा है ये, जो गाँव के लोग बनाते हैं मिट्टी से और इसके अंदर उपले रखे जाते हैं। तो ये पूरा वही संस्कृति है, गाँव की संस्कृति है, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। झोपड़ी आप देख सकते हैं, और जो लोग शहरों में रहते हैं जिन्होंने ये नहीं देखा उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं, और यहाँ पर आप हैंडपंप देख सकते हैं, लोग पानी निकालते हैं। और एक घड़ासा है, इससे जानवरों के लिए चारा, चारा को हम सानी बोलते हैं, सानी काटते हैं। और मैंने बचपन में बड़ी सानी काटी है अपनी मम्मी के साथ, तो हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है। आप देख सकते हैं इसको घुमाना पड़ता है। अब हम आगे हैं खेत खलिहान, और यहाँ पर भी आप ट्रैक्टर पर सवारी कर सकते हैं। अगर आप पहले कभी ट्रैक्टर पर नहीं बैठे हैं और टीवी पर आपने ट्रैक्टर खेतों में चलते हुए देखा है, तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और कितना हिलता है ट्रैक्टर में बैठने के बाद, इतना हिलता है कि जो भी आपने खाना खाया है 2 मिनट में पच जाएगा। साथ में आप यहाँ पर बैलगाड़ी की सवारी भी कर सकते हैं, वो भी बड़ी हिलती है। चलिए हम भी बैलगाड़ी पर और ट्रैक्टर पर बैठकर देख लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। तो अब मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, और आप अगर अपने साथियों के साथ आते हैं तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सभी मिलकर आप इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बैलगाड़ी चल रही है, और आगे हमें ट्रैक्टर भी मिलने वाला है जिसकी हम सवारी करने वाले हैं। और यहाँ पर आसपास सरसों के खेत हैं, तो आजकल फूल आए हुए हैं सरसों पर, और बहुत ही सुकून देने वाला आप दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये नर्सरी है, यहाँ पर बहुत सारे पौधे भी लगाए गए हैं। अगर आपको पौधों में इंटरेस्ट है, उनकी वैरायटी जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समय बिता सकते हैं, रुक सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर साथ में एक बड़ा सा ग्राउंड है, अगर आपकी पूरी टीम आई है तो वहाँ पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं और अच्छे से पूरा समय बिता सकते हैं। और पूरी हरियाली है, अगर आपको ट्रैक्टर पर नहीं बैठना कोई बात नहीं, अगर आप बैलगाड़ी की सवारी नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, फिर भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बैलगाड़ी में बैठने के बाद तो इतना नहीं हिलेंगे, लेकिन ट्रैक्टर में बैठने के बाद हालत पतली होने वाली है। और फाइनली हम बैलगाड़ी के बाद अब ट्रैक्टर में बैठने वाले हैं, और पूरा हिलने वाले हैं। जितना भी ब्रेकफास्ट हमने किया है जल्दी से पचाने वाले हैं, ताकि लंच के लिए हमारे पेट में थोड़ी सी जगह बन जाए। और ये सरसों के खेत आप देख सकते हैं, यहाँ पर आगे ग्रिलिंग लगाई हुई है, आप बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ऐसे लोग अंदर जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए तो सरसों को नुकसान पहुंचेगा। तो बाहर से आप यहाँ देख सकते हैं। और फाइनली ये हमारा ट्रैक्टर है, हम इसमें बैठ चुके हैं, हिलने के लिए तैयार हैं। और आप देख सकते हैं बाकी भी बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और ये पूरी हरियाली है। कितना अच्छा यहाँ पर नजारा आप देख सकते हैं, सुकून देने वाला। और बिल्कुल आप कुछ पलों के लिए अपने जीवन की भाग दौड़ से बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए, और सुकून से ये दिन बिताइए, क्योंकि ये जो दिन है वो आप बहुत दिनों तक याद रखने वाले हैं। हिल रहे हैं हम, हिल रहे हैं, हिलते 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 हिलते। और ये जो ट्रैक्टर है पूरा एक राउंड लगाएगा। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर आपको जो भी एक्टिविटी करनी है दिल खोल के कीजिए, अपने आप को पीछे मत रखिए। जो भी आप करना चाहते हैं आपको जरूर करना चाहिए, और कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज बीच में नहीं देना है। सिर्फ टिकट आपने खरीदी है, और टिकट के बाद बिल्कुल शाम तक निश्चिंत हो जाइए, अपना जो पर्स है उसको छुपा कर रख लीजिए। यहाँ पर जो भी आप खाएंगे सब कुछ फ्रेश मिलने वाला है। और यहाँ पर आप गन्ना चूस सकते हैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, और साथ में मूली और गाजर, क्योंकि आजकल सीजन चल रहा है और खेतों में उगाई गई है, और वहीं से बिल्कुल फ्रेश उसकी चाट बनाई गई है। मसाला डाल के आप आराम से खा सकते हैं, जितनी मर्जी आप खा सकते हैं बीच बीच में जब भी आपका मन करे। और ये बिल्कुल हमारे खेतों को एंजॉय करने के बाद आइए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप छोटे छोटे मिरर्स देख सकते हैं, मैजिक मिरर्स देख सकते हैं, जिसमें आपकी अलग अलग इमेज दिखाई देगी। बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं, हमारे लिए तो इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता है। तो ये छोटे छोटे मिरर्स लगाए हुए हैं। आइए वापस चलते हैं, आइए वापस अपनी ग्रामीण रसोई में चलते हैं। सुबह सुबह बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था, और अभी खाना बनना शुरू हो गया है। और ये जो खाना बनाने वाली औरतें हैं, ये आसपास के गाँव से ही बुलाई जाती है। गैरतपुर बास जो गाँव है, मैंने सबसे बात की है, वो वहीं से आई है, और इनको पेमेंट दी जाती है डे के हिसाब से। आगे यहाँ पर डांस एंजॉय कर सकते हैं, हरियाणवी लोकगीत आप सुन सकते हैं, और जितना मन करे जितना आपका डांस निकल रहा है आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, और पूरा एंजॉय कर सकते हैं।
ग्रामीण रसोई से अभी अभी हमने बाजरे की खिचड़ी और कढ़ी खाई है बिल्कुल गर्मा गर्म देसी घी डालकर, और साथ में चूरमा भी खाया है। हरियाणा और चूरमा, ये भला कैसे हो सकता है कि आप हरियाणा की संस्कृति से जुड़े और चूरमा ना खाएं। नीरज चोपड़ा, याद है आपको नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक मेडल्स जीत कर गए थे तो किस तरह से उनके घर वाले चूरमा बना रहे थे, और उनको चूरमा कितना पसंद है, वो भी देसी घी से बिल्कुल लथपथ आप कह सकते हैं, बिल्कुल भरा हुआ आप कह सकते हैं। ग्रामीण रसोई से जीमने के बाद आइए फिर से निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने लाइन लगाई हुई है, और यहाँ पर कैमल राइडिंग आप कर सकते हैं, और ऊंट पर सवारी करने का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। वैसे तो हम बहुत एंजॉय करते हैं, फोटो खींचते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ऊंट के बारे में सोचें तो मुझे बहुत दया आती है, तरस आता है। बेचारा बेजुबान जानवर सुबह से शाम तक, चाहे उसका मन हो चाहे ना हो, और किस तरह से हम इसको एंजॉय करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं पॉटरी मेकिंग के पास, और यहाँ पर आप अपने हाथों से एक्सपीरियंस कर सकते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने का। वैसे तो हम पहली बार बनाते हैं तो इतना अच्छा नहीं बना पाते, लेकिन छोटा सा दिया और छोटी सी मटकी हम जरूर बना सकते हैं। आप भी यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये आपकी मदद करेंगे किस तरह से बनाना है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और एक अलग एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा। पर जितनी भी दीवारें हैं उन पर मिट्टी से लिपाई की गई है, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी लिखे गए हैं, ड्राइंग की गई है, पूरी कला और संस्कृति की झलक हमें देखने को मिलती है। ऊंट की सवारी करने के बाद और मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद हम आ गए हैं आराम बाग में, और जो मिट्टी का दिया आपने बनाया है, कोई भी छोटा सा कुछ भी बनाया है, वो आप अपने घर लेकर जा सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को दिखा सकते हैं, और एज ए मेमोरी उसको रख सकते हैं। और यहाँ पर हम आराम बाग में आ जाते हैं, और यहाँ पर चारपाइयां लगी हुई हैं, बिल्कुल आप आराम कर सकते हैं अगर थक गए हैं, और यहाँ पर भी बीच बीच में छोटी छोटी एक्टिविटी हैं, गेम्स हैं, उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप बुल राइडिंग कर सकते हैं, सांड के ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 50 रुपीज की टिकट देनी पड़ेगी। वैसे तो पूरे के पूरे फार्म हाउस में कहीं पर कोई भी पेमेंट नहीं देनी आपको, लेकिन स्पेशली इस एक्टिविटी को अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर 50 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, अलग से देने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा फेवरेट शो था, ये पपेट शो है, कठपुतली का खेल है, और ये जो आए हुए हैं राजस्थान से आए हुए हैं और ये इस खेल को दिखाने वाले हैं, आइए इंजॉय करते हैं। Thank you.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा सबको? बहुत बढ़िया। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन बहुत कमाल का, माइकल जैक्सन की मुंडी उड़ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम क्या भाई आपका? धनवीर। दोस्तों कैसा लगा आपको कठपुतली का खेल, पपेट शो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये धनवीर जी थे जो राजस्थान से आए थे स्पेशली और यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अपने साथी के साथ ही परफॉर्म करते हैं। माइकल जैक्सन का डांस तो कमाल का था, उन्होंने तो अपनी मुंडी को ही हिला दिया। और साथ में अमरीश पुरी और श्रीदेवी, हम तो इंतजार करते रहे श्रीदेवी कब आएगी, लेकिन वो तो नागिन थी। और जैसे ही नागिन आती है एकदम से हम डर जाते हैं थोड़ा सा। आराम बाग में आप लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं और आराम कर सकते हैं और यहाँ पर फोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर मड बात भी है, मिट्टी में अगर आपको नहाना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बंद किया हुआ है। अगर ये ओपन होता है तो आप अपने एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आ सकते हैं यहाँ पर चेंजिंग रूम में, और मड में आप बात ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा पानी है, आप थोड़ा स्विम कर सकते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं, तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बंद है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत सारी और एक्टिविटी हमारे सामने आ जाती है, खतरों के खिलाड़ी हम कह सकते हैं। और यहाँ पर आप रस्साकसी कर सकते हैं, अगर आप टीम के साथ आए हैं तो बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं, आप पतंग उड़ा सकते हैं। और चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बहुत सारी बैलेंसिंग एक्टिविटी होने वाली है और आपको हर किसी को ट्राई कर देखना चाहिए। कभी कभी हम सिर्फ देख लेते हैं लेकिन खुद ट्राई नहीं करते, लेकिन ऐसा आप ना करें। और यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो सारी बैलेंसिंग जो एक्टिविटी है, जो हमारे आर्मी में भर्ती होने वाली एक्टिविटी होती है, पुलिस में भर्ती होने वाली जो ट्रेनिंग होती है, उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर ये बैलेंसिंग एक्ट भी देख सकते हैं, और इसमें एक व्यक्ति है जो रस्सी पे बैलेंस कर रहा है, और यहाँ पर साइंस का लॉ भी यूज हो जाता है कि साइंस में किस तरह से बैलेंस करने के लिए इसने अपने हाथ में लकड़ी ली हुई है और उसी की हेल्प से वो बैलेंस कर रहा है। और साथ में बहुत एक्सपीरियंस है इसको, क्योंकि अगर हम करेंगे तो ना बाबा ना सोच भी नहीं सकते, गिर ही जाएंगे। और यहाँ पर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखकर एक बार फिर से ये प्रूव हो गया है कि अगर आप किसी भी चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं, किसी भी कला को सीखना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम आ गए हैं खतरों के खिलाड़ी वाले सेगमेंट में, और यहाँ पर हॉरर हॉन्टेड हाउस भी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अंधेरा है और बीच बीच में हमें तो डर नहीं लगा, लेकिन बच्चों को डर लग सकता है, और साउंड आती है बचाओ बचाओ, और थोड़ा सा ऐसा क्रिएट किया गया है। तो हॉन्टेड हाउस में आप जा सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, जिनको आपको ट्राई करना चाहिए। वैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि ठीक है देख लिया दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो उसकी कुछ और ही बात होती है। तो बच्चे यहाँ पर फुल एंजॉय कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जितनी आप करेंगे उतना ही अच्छे से आपको भूख लगेगी और आप लंच अच्छे से कर पाएंगे। इसी एक्टिविटी एरिया में साथ में आपको बहुत सारी बतखे देखने को मिल जाएंगी, और इनकी प्यारी प्यारी आवाज आप सुन सकते हैं और इनको अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने लाइव नहीं देखा है तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं तो अलग ही एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर इनकी जो शेप है आप देख सकते हैं, और ये कैसे सोती है, अपनी पूरी की पूरी जो इनकी चोंच होती है उसको अपने पंखों के अंदर बिल्कुल फिट करके सोती है। इनका सोने का अंदाज तो कमाल का था, और साथ में ये पानी में भी रहती है, तो साथ में पानी भी है, यहाँ पर छोटा सा पॉन्ड टाइप से बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे डक्स हैं, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा।
अगर आप पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं तो आप जरूर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और इनकी गर्दन की जो शेप है उसको आप ध्यान से देखिए। बचपन में हम टू बनाते थे और टू बनाकर हम डक बनाते थे, तो जो ड्राइंग करते थे वो आपको याद आ जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट उसी शेप में इनकी गर्दन है, टू बनाकर बिल्कुल कर्व में है। और इनका सोने का जो स्टाइल आप देख सकते हैं, कुछ बतके यहाँ पर सो रही हैं और कितने आराम से सो रही हैं, बिल्कुल अलग स्टाइल में सो रही हैं। यहाँ पर एक और कलाकार को आप देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है आपकी हाइट बहुत ज्यादा है तो इनके सामने खड़े होने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा। और ये कॉम्प्लेन पीते हैं और कॉम्प्लेन पीने के बाद इनकी इतनी हाइट हुई है। दिल्ली से आ गई, चंडीगढ़ से आ गई और बम्बई से आ गई। समझ आया या नहीं आया सर? नहीं, दोबारा वंस मोर ध्यान लगाना सर। स्मॉल का घर इधर बंद, स्मॉल का घर इधर बंद, और देखना साहब ये बॉल हमारी मुट्ठी में बंद। एक दो तीन, तीनों अलग है सर। मुट्ठी वाली बॉल जाए तो दोनों बातें करने लग जाए, डब्बे वाली बॉल रह जाए। चलो तुम्हें भी बुलाया, ये निकली ये बैठी ये चली गई, डब्बा खाली कर गई और तीनों की मीटिंग चल रही। ये अब दिखाएंगे सर सबसे बड़ी कलाकारी, और इसी का नाम है जादू। ले भाई बोलिए सर, खुला छोड़ दें या असली वाला बांध के छोड़ेंगे सर, इसमें टेरा लीन। ले भाई बाहर निकल आना, कल छोड़ दिया सर मैंने इधर को खुला, पेड़ पे बैठ गया, बड़ी मुश्किल से नीचे बुलाया, आज बांध के। ले भाई बाहर निकल जाना और गड़बड़ी मत करना। ये जानवर है ना सर, दिखने में थोड़ा सा खतरनाक है, नहीं काटता नहीं, काट भी लेता है कभी कभी, तो इसके काटने से आदमी मरता नहीं है बल्कि खाली खत्म हो जाता है। दवाई है राजस्थान में? नहीं, हमारे पास दवाई है, वो यही रखी है राजस्थान में। नहीं बाबा जी बात पकड़ लिया जानवर मैंने, बाती बात में इधर से बचा। लोग सांप लोग मैडम लोग थोड़े होशियार रहना, भागना नहीं, भागोगे गेट सड़क में छोड़ेगा, बहुत स्पीड भागता है। सर ध्यान लगाना, पकड़ लिया जानवर, मुझे नहीं पता क्या देखना सर, ये जानवर की पूंछ है और ये खोपड़ी, हाथ है हाथ अलग, जानवर बाहर यार रहना, साहब लोग मैडम लोग बच्चा लोग। ले भाई दिखा तेरा कलर, बाहर निकल आना, बाहर आ जाना, गड़बड़ी मत कर, गड़बड़ कर लो सर। देखना सर इसके अंदर पीजन था, वो पानी पीने गया, पीजन इधर बनेगा सर मिट्टी का, और ध्यान लगाना सर मिट्टी का पीजन कैसे बनेगा। जिंदा पीजन है वो मैंने छुपा लिया, नजर में आ जाए पकड़ लेना। बोलिए साहब टोकरी सिंगल है या डबल? सर इसमें कोई पिजन तो नहीं है? मैं थैले के अंदर से जड़ी लूंगा, जड़ी लाके इधर रखूंगा, इतना बड़ा पिजन बनके तैयार। जड़ी लेंगे यहाँ से, जड़ी लेंगे खाली टोकरी इधर रखेंगे सर, खाली दिखाइए। ये कपड़ा देखना सर, कपड़ा भी खा ले लिया, टोकरी दूर रखा है, ये वाला ये देखना सर, इसमें पिजन होता है, ये बच्चा बता देता है, खेल रहा है। ये दिखाएंगे बिल्कुल खाली, दिखा दे पीजन नजर नहीं आया, यहाँ नजर आएगा, ये डमरू है, और देखना सर ये टोकरी है और पीजन है ये रिया, नजर नहीं आया यहाँ नजर आएगा। ले भाई आ जा, ये पूछे ये खोपड़ी, आवाज सुनो सर पीजन की, कितनी प्यारी आवाज सुना दे सर, आवाज साहब लोगों को मैडम लोगों को बच्चा लोगों को तुम्हारी आवाज सुनाओ, बोल
ये बोल डमरू है, डमरू बाहर पिजन है येरिया टोकरे पे बैठ जा, पर्दे में दिखा दूं सोरिया, पर्दा हटा दूं, पर्दा हटा के दिखाएंगे, एक एक निकालेंगे पिजन नंबर वाली से, दो दो पिजन निकाला फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, हटा पर्दा और दिखा जलवा कैसा पिजन बन के तैयार। कदरदान आदमी सर कला की कदर करता, इतनी बड़ी चीज पाना छुपाना बड़ी मुश्किल का था। एक और निकालिए, बोलो एक सर और निकालिए, मारेंगे पाप लगेगा, एक और निकालिए, यहाँ रख के जोड़ा बना दू, कपड़ा लगा, तीन तीन उसमें एक है, उसमें एक है, कपड़ा लगा के बनाएंगे जोड़ा, पहले कपड़ा दिखाओ, ओपन बनाएंगे, वो पहाड़ी पे पीछे पेड़ दिख रहा है, आप दिख रहे हो, आप दिख रहे हो, इस पेड़ से आएगा हट चुर गुचुड़ू, चुर गुचुड़ू का जादू है, हटा पर्दा दिखा जलवा कैसा जोड़ा बन के तैयार, इसी कला पे इसी एटम पे आप जैसे साहब लोग मैडम लोग खुश होके इनाम दे के जाते हैं, आपने मैजिक शो एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, और ये कलाकार जो होते हैं इनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, और जब हम इसको देखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, और यहाँ पर आप कुएं से पानी निकाल सकते हैं, असली कुआ नहीं है लेकिन हाँ कुछ कुछ वैसा ही है, तो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कंचे खेल सकते हैं, बचपन की याद कर सकते हैं, और यहाँ पर मेहंदी लगाई जा सकती है, यहाँ पर हरियाणवी ड्रेस पहनकर आप फोटो खिंचवा सकते हैं, और ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो आपकी मदद करेंगे, आप देख सकते हैं, तो छोटी छोटी एक्टिविटी है, यहाँ पर आप दूध बिलो सकते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल खाली है, इतना जोर नहीं लगाना पड़ता, लेकिन वास्तव में अगर दूध बिलोने की बात हो तो बहुत जोर लगाना पड़ता है। यहाँ पर हाथ से चलने वाली चक्की भी रखी हुई है जिससे हम आटा पीसते हैं, तो आजकल तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पहले जमाने की बात करें, गांव की बात करें, तो लोग बड़ा दम लगाते थे, और हमारे लिए इसको चलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसको जब सच में हम इसमें दाना डालते हैं, अनाज डालते हैं और पीसते हैं तो बहुत दम लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मॉडल्स रखे हुए हैं तो उनको चलाना हमारे लिए आसान है, और यहाँ पर आप मेहंदी लगते हुए देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं, सुबह से शाम तक कितने सारे लोग इनसे मेहंदी लगवाते हैं, और ये जो मेहंदी लगाने वाली है ये पास के गांव से ही आई है, ये अभी फिलहाल पढ़ रही है, और इनको पेमेंट दी जाती है, मंथली पेमेंट दी जाती है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यही है कि आसपास के लोगों को रोजगार मिल जाता है, यहाँ पर कितने सारे लोग काम करते हैं जो पास के गांव से आते हैं, और कितने सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है, तो ये पढ़ भी रही है और साथ में मेहंदी भी लगाती है, साथ में कुछ ना कुछ कमा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और साथ में यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, अगर आप थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा समय निकाल कर उनसे बात कीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनके जीवन के बारे में आप पूछ सकते हैं, और कितने रुपए उनको मिलते हैं, कितनी मेहनत वो करते हैं, सुबह से शाम तक उनको लगातार काम करना होता है, बीच में सिर्फ उनको ब्रेक मिलता है लंच का। और लंच से याद आया कि आप बीच में लंच करना ना भूले, लंच का टाइम है 1 से 3 बजे के बीच में, और वहीं पर जाना है, कहाँ पर जाना है, जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट मिला था जीवन वार्ड में, और साथ में गांव की जो रसोई है वो अलग है, वहाँ पर आप मक्के की रोटी, सरसों का साग खा सकते हैं, बाजरे की रोटी खा सकते हैं, रोटियाँ आपको बिल्कुल चूल्हे से निकाल कर गरम गरम दी जाएगी, बिल्कुल आराम से बैठ के सुकून से आप खाइएगा, और हाँ थोड़ा थोड़ा खाइएगा क्योंकि वैरायटी बहुत सारी है, हमने तो सिर्फ मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी खाई और पेट फुल हो गया, और हम जो मेन हमारा लंच है वो हम कर ही नहीं पाए, तो इसीलिए आपको सलाह है कि जो भी आप ट्राई कर रहे हैं खाने के लिए वो थोड़ा थोड़ा कीजिए, और अपने पेट में थोड़ी थोड़ी जगह बचाकर चलिए, वरना आपका पेट फुल हो जाएगा और आगे जो नई चीज आपको दिखेगी वो आप नहीं खा पाएंगे, तो हमने लंच नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने फुल एंजॉय किया, और ये मेहंदी इतनी देर से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये पूरी मेहंदी उसने लगा दी है, लेकिन साथ में आप मेरी बातें भी सुन पा रहे हैं, हालांकि ये वीडियो YouTube फ्रेंडली नहीं है, 4 या 5 मिनट का वीडियो बनना चाहिए और इतना लंबा वीडियो कोई देखता भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम YouTube फ्रेंडली वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन मुझे तो आपको ये सारी बातें बताने में बड़ा ही आनंद आ रहा है, और उम्मीद करती हूँ आप भी अगर पेशेंस के साथ थोड़ा सुनते हैं, वो थोड़ा मन लगा कर सुनते हैं, क्योंकि अगर आप सुनना चाहेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं, तो वीडियो लंबा है क्योंकि 9 से 6 के बीच में हमने पूरे 9 घंटे इस फार्म में बिताए हैं, तो भला 5 मिनट में कैसे ब्रीफ कर सकते हैं, तो हमने पूरा टाइम लिया है, 44 मिनट का वीडियो बन गया है, और आप इसको एंजॉय कीजिए।
ये मेहंदी लगने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और अपनी यात्रा पर दोबारा से निकल पड़ते हैं। बीच बीच में पेट पूजा करते रहिएगा, कुछ ना कुछ खाते रहिएगा, एनर्जी बचाते रहिएगा और एनर्जी खर्च करते रहिएगा। तो मेहंदी हमारी लग गई है, ज्यादा लंबी चौड़ी हमने नहीं लगवाई, बहुत ही थोड़ी सी लगवाई है और आगे जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ नहीं जानता वो भी नाचने लगता है। और यहाँ पर आगे हम बढ़ जाते हैं, यहाँ पर कुछ पशुओं को रखा गया है। वैसे तो मैं इनके फेवर में नहीं हूँ, पशुओं को पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर गेंदे के फूल आप देख सकते हैं, पूरा गांव का माहौल है, खुली खुली हवा है। यहाँ पर कुछ बकरियाँ आप देख सकते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो बकरियाँ यहाँ पर हैं फिलहाल। और बकरियों के बाद यहाँ पर आपको कुछ पक्षी मिल जाएंगे, कुछ छोटे छोटे जानवर मिल जाएंगे जो कि बहुत बुरी हालत में हम कह सकते हैं। यहाँ पर कबूतरों को रखा गया है, यहाँ पर आप मुर्गे और मुर्गियों को देख सकते हैं। तो बिल्कुल बंद करके रखना ठीक नहीं है, फिर भी हम इनको देखते हैं क्योंकि हम देखते हैं तभी इनको रखा जाता है। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो हमेशा जब भी मैं जानवरों को देखती हूँ तो मेरा मन थोड़ा दुखी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि बच्चों ने ये सब नहीं देखा होता है। तो यहाँ पर लोग आते भी हैं जिन्होंने नहीं देखा है। आप देखो बिल्कुल बंद किया हुआ है इनको। यहाँ पर खरगोश आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी जगह में है और इन्होंने अपना बर्रो, खरगोश बर्रो में रहता है, हम बच्चों को बताते हैं। और इन्होंने अपना बिल बनाया हुआ है मिट्टी में, आप देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इनको बंद तो बिल्कुल कर नहीं रखना चाहिए। तो मैं इसके फेवर में नहीं होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मन को दुखी कर देने वाली बात होती है। और धीरे धीरे अगर हम सभी सोचें और हम सभी इनको सलाह भी दें और साथ में सभी लोग इस तरह से जानवरों को देखना बंद कर दें तो शायद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष करना पड़ेगा सभी को मिलकर, तभी ये हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। और हमने पूरा का पूरा जो फार्म हाउस है उसकी सारी जो एक्टिविटी है उनको कवर कर लिया है, ऐसा कोई कोना हमने छोड़ा नहीं है। एक छोटा सा एरिया आपको बच्चों के लिए मिल जाएगा जहाँ पर आप बहुत सारी और एक्टिविटी कर सकते हैं, गुलेल चला सकते हैं, निशानेबाजी कर सकते हैं, तीरंदाजी कर सकते हैं। तो छोटा सा सेगमेंट वो है, तो वहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वो बिल्कुल इसके बैक साइड में है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। साथ में अगर आप ऐसी जगह पर आते हैं, आप एक्टिविटीज करना बहुत पसंद करते हैं और साथ में अगर आपको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी मेमोरीज में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। यहाँ पर आप फिर से कबूतरों को देख सकते हैं, तो इनको बंद करके तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इनको देखकर मुझे अपनी कविता याद आ गई, आपने जरूर पढ़ी होगी, हिंदी की कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो ये छोटा सा एरिया बनाया गया है जहाँ पर पशुओं को रखा गया है। और यहाँ पर आप मैजिक मिरर्स देख सकते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर रिफ्लेक्शन आप अपना देख सकते हैं। तो बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं। ये भी एक छोटा सा यहाँ पर 3-4 मिरर्स रखे हुए हैं, आप मुझे देख सकते हैं रिकॉर्ड करते हुए इसमें, और ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है। तो आगे बढ़ जाते हैं, दोबारा से हम अपने फार्म हाउस के उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पर हमने ट्रैक्टर पर
सवारी की थी और साथ में बैलगाड़ी की सवारी की थी। तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉबेरी अगर खरीदनी है तो आप ले सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी बोई भी गई है और बिल्कुल फ्रेश आपको मिलने वाली है। 100 रुपीज़ का एक छोटा सा आपको बंच मिलने वाला है और यहाँ पर नर्सरी है तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे आप देख सकते हैं। तो आइए हम स्ट्रॉबेरी देखते हैं यहाँ पर किस तरह की स्ट्रॉबेरी यहाँ पर दे रहे हैं ये लोग। तो बाकी यहाँ पर आप कुछ भी खरीद कर नहीं ले जा सकते, ये देखो ये यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है बिल्कुल फ्रेश है और यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। ये जो एक आपका है वो 100 रुपीज का है, बिल्कुल फ्रेश है और मैंने ली है और बिल्कुल इनका जो स्वाद है बिल्कुल अमेजिंग है। और यहाँ पर इनका दूसरा फार्म भी है, गाँव में ही है, वहाँ पर ये लोग उगाते हैं और वहाँ पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। तो ये हरियाणा के हैं, अगर आप भी हरियाणा के हैं तो इनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा और अगर आप हरियाणा के नहीं हैं तो भी इनसे हरियाणा के बारे में बहुत कुछ पूछ सकते हैं। और ये हमारी पूरी विजिट थी, हमारी पिकनिक थी, हम वापस आ गए हैं और यहाँ पर उसी एरिया में आ गए हैं जहाँ से हमने एंट्री की थी। और यहाँ पर जो सनसेट का नज़ारा है देखने वाला है, मतलब बिल्कुल जैसे ही हम बाहर निकलते हैं और यहाँ पर बिल्कुल आसपास का जो फ्रेश एयर है, साथ में सनसेट हो रहा है, तो सनराइज से लेके सनसेट तक का जो पूरा सफ़र है वो कमाल का है। आप देख सकते हैं ऐसे दृश्य गांव में ही हम देख सकते हैं, शहरों में तो बहुत ही कम मिलते हैं या फिर आजकल तो हम टीवी पर सब कुछ देखते हैं, नेट पर सर्च करते हैं। तो ये बिल्कुल आप फंवारे देख सकते हैं, ये खेत है और बिल्कुल सनसेट हो रहा है तो हम अपने आप को रोक नहीं सके और इसके आसपास सभी लोग खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल ये जो महसूस करने वाली बात है बताने वाली बात नहीं है, कितना अच्छा आपको यहाँ पर लगता है, इससे ज़्यादा फ्रेश आप कहीं फील नहीं कर सकते हैं। आज हम कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रकृति की गोद में हम थे और बिल्कुल अपने रियल लाइफ को जो डेली रूटीन है उसको भूल चुके थे और एक अलग ही दुनिया में आ गए थे। तो ये एक दिन हमेशा के लिए याद रहने वाला है और अब हम वापस जा रहे हैं और पूरा का पूरा जो 9 घंटे का सफ़र था, हमारा पूरा दिन था, उसको 44 मिनट्स में मैंने कवर कर दिया है। हाँ, बहुत बोरिंग हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। दोबारा से मुझे लग रहा है कि मैं फार्म हाउस में पहुँच गई हूँ और आपको बताते मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती, आप मेरी आवाज़ से महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा वही खेत है, वापस हम जा रहे हैं और आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, आप अपनी वैन में आए हैं, साथियों के साथ आए हैं, तो बिल्कुल म्यूजिक सुनिए और म्यूजिक के साथ बाहर का जो ये नज़ारा है इसका आनंद लीजिए और एक अलग ही दुनिया में खो जाइए। और जब आप वापस अपने रूटीन में लौटेंगे तो ये जो पल हैं हमेशा आपको रिफ्रेश करते रहेंगे, आपकी मेमोरीज में रहेंगे और कम से कम 10-12 दिन तक तो अपने दोस्तों से बातें करते करते इसको हमेशा दोबारा से जीते ही रहते हैं। और फिर भी सालों बाद भी हम हमेशा याद करते हैं कि हाँ, हम फार्म हाउस में गए थे, गांव की लाइफ को हमने देखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर सनसेट के बाद जो नज़ारा है कितना अच्छा लग रहा है, सुकून देने वाला लग रहा है। तो इसको एंजॉय करते रहिए और धीरे धीरे जैसे ही हम शहर में जाएंगे, दिल्ली के पास पहुँचेंगे, तो आप देख सकते हैं कितना स्विच होता है, गाँव की लाइफ और शहर की लाइफ बिल्कुल ही बदल जाती है। इस बदलाव को आप यहीं पर देख सकते हैं, एकदम से गांव से हम शहर में आ गए हैं और शहर का जो लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं, तो बैक टू होम वापस हम जा रहे हैं और इस सुंदर सी यात्रा की यादें हम अपने मन में लेकर जा रहे हैं। तो आप भी यहाँ जरूर आइएगा, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हाँ, लंबा जरूर था, यूट्यूब फ्रेंडली नहीं था, मैंने आपको बहुत पकाया होगा, लेकिन अगर आप खुश होकर सुनेंगे और मेरे साथ साथ इस यात्रा पर चलेंगे तो आप बिल्कुल नहीं बोर होने वाले। और ये जो वर्चुअल एक्सपीरियंस है इसको आप अपने रियल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी बैक टू होम, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई यात्रा के साथ, नई पिकनिक यात्रा के साथ, नई ट्रिप के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए, नहीं खुश होकर अपने जीवन को एंजॉय करते रहिए। पढ़ना लिखना भी जरूरी है लेकिन कभी कभी पढ़ाई से ब्रेक ले लेना चाहिए, काम से ब्रेक ले लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई यात्रा के साथ।